नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेसिपी रॉबरी चैनल में। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए लौकी के हलवे की रेसिपी। तो इस रेसिपी को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल रेसिपी रॉबरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर एक तरफ 3 कप दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। और जब तक ये दूध गर्म होगा, गैस के दूसरी तरफ एक कढ़ाई रखी है जिसके गर्म हो जाने पे उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। इसके बाद इसमें कुछ सूखे मेवे डालकर इसको तल लेंगे। तो यहाँ सूखे मेवे में मैंने 5 बादाम, 5 काजू, 10-12 किशमिश, 1 अंजीर और 1-2 अखरोट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपने पसंद के कोई भी सूखे मेवे ले लें। तो ये सूखे मेवे भुन गए हैं तो इसको निकाल लेते हैं और इसके बाद इसको रफली चॉप कर लेंगे। सूखे मेवे निकाल लेने के बाद इसी कढ़ाई में 1 कप कद्दूकस किया हुआ लौकी डाल देंगे। आँच बिल्कुल इस समय धीमी रखेंगे और धीमी आँच पर इस लौकी को थोड़ी थोड़ी देर चलाते हुए भूनेंगे। इस लौकी को हमको तब तक भूनना है जब तक इसका पानी जल ना जाए। तो ये लौकी भुन गई है और दूसरी तरफ जो हमने दूध रखा था वो भी अच्छा गर्म हो गया है। तो अब उस दूध को हम लौकी के साथ मिला देते हैं। तो यहाँ दूध हमने कढ़ाई में पलट लिया तो 1 कप लौकी में 3 कप दूध का इस्तेमाल किया है। लौकी का हलवा बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि भुनी लौकी में रूम टेम्परेचर पे या ठंडा रखा हुआ दूध नहीं डालेंगे, वरना थोड़ी देर बाद दूध फट जाएगा। तो 2-4 मिनट तक धीमी आँच पर चला लेने के बाद जब लौकी और दूध आपस में अच्छे से मिल जाए तो इसको तेज़ आँच पर थोड़ी थोड़ी देर चलाते हुए दूध को जला लेंगे। तो थोड़ी देर हो चुकी है और ये दूध लगभग जल गया है, थोड़ा बचा है। तो अब इसमें हम 2.5 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे। हलवा बनाते समय चीनी लास्ट में डालनी चाहिए जब हलवा ऑलमोस्ट बन चुका हो, मतलब उसमें थोड़ी सी ही कसर बाकी हो। तो यहाँ हमने 2.5 चम्मच चीनी डाल दी। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे इसमें और चीनी मिल जाने के बाद जो सूखे मेवे हमने तले थे और उसको रफली काट लिया था उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। तब सूखे मेवों को मिला लेते हैं हलवे में। ये सूखे मेवे मिक्स हो गए हैं। अब सबसे लास्ट में इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसके बाद इसको धीमी आंच पर थोड़ी थोड़ी देर चलाते हुए भूनेंगे। इसके अच्छे से भुन जाने की पहचान ये होगी कि जब ये हलवा बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा तो ये कढ़ाई छोड़ देगा, मतलब ये बिल्कुल भी कढ़ाई से चिपकेगा नहीं। देखिए हलवा बिल्कुल भुन गया है, ये कढ़ाई से बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, तो मतलब ये हमारा लौकी का हलवा तैयार हो गया। तो लीजिए तैयार है लौकी का हलवा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपने व्यूज़ और सजेशंस कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल रेसिपी रॉबरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।